यस दोस्तों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट स्टार्ट जरूर हो रहा है, लेकिन आज का क्लास बहुत ही छोटा रहेगा। इट विल बी ओनली हाफ एन आवर क्लास टुडे। तो ये क्लास आधा घंटा का है, ध्यान लगा करके सुनिए। फॉर रीजंस नोन टू द लाइव क्लास स्टूडेंट्स, हम लोग भी बताइए ना, डीटी वाले बच्चे हम लोग भी बताइए। इसके पहले एक क्लास हुआ था, इसीलिए वही कंटिन्यूएशन है ना। ना ये नया चैप्टर है, चलिए आइए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इट्स ऑसम चैप्टर। आज आधा घंटा 40 मिनट, जो भी आधा घंटा वगैरह 40 मिनट वगैरह। तो और फिर नेक्स्ट क्लास पूरा, और उसके बाद खाली आधा घंटा पढ़ाइए ना सर, क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ बता रहे हैं। ये चैप्टर जो है ना जन्नत है। अब एग्जाम में इसका मार्क्स वेटेज देखा जाए तो 4 नंबर का है, 4 मार्क्स। अगर देखोगे सी एंटर लॉ का एनालिसिस में, चेक करो उसमें कितना मार्का था, किसी के पास फोटो है तो? अरे फोटो तो होगा ही, देखो तो कितना मार्का आया था, 4 मार्क्स को ऑन एन एवरेज आता है। चेक करो ना, 3 मार्क्स और एक एमसीक्यू पकड़ ले, लगभग 4 नंबर का चैप्टर है। अरे सी एंटर का पेपर एनालिसिस भी तो तुम लोग नहीं देखा है, तीन लोग देख लिया, याद उठाओ, बाद बाकी भी सारा बाकी है, फटाफट हो। 4 नंबर का आप ये चैप्टर समझ करके चलो, आइए लेट अस स्टार्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? लॉ, बिल्कुल सही, स्टैट्यूट मीन्स लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ लेजिस्लेचर, कि आखिर लॉ मेकर्स क्या बोलना चाह रहे थे, उनका क्या इच्छा था। अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ लेजिस्लेचर, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ लेजिस्लेचर, अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ लेजिस्लेचर, अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग दैट द वर्ड्स वॉन्टेड टू एक्सप्रेस, द मीनिंग दैट द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट, द मीनिंग दैट द वर्ड्स ऑफ द वॉन्टेड टू एक्सप्रेस, क्या बोलना चाह रहा है लॉ, उसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब एग्जाम में अगर हम पूछे व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मींस अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ लेजिस्लेचर, अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ लेजिस्लेचर, अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ, द मीनिंग दैट द वर्ड्स ऑफ द लॉ वॉन्टेड टू कन्वे एक्सप्रेस। 3 डेफिनेशन है, विल ऑफ लेजिस्लेचर, इच्छा, विल ऑफ लेजिस्लेचर, विल ऑफ लेजिस्लेचर, अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट दैट दे वांटेड टू कन्वे, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग दैट द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट वांटेड टू कन्वे। अब लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करना, लॉ को इंटरप्रेट करना, ऑलरेडी हम लोग क्लासेस में सीखे होंगे, तो कुछ कुछ बात ऑलरेडी सीखा हुआ होगा इस चैप्टर के दौरान। बहुत ही हसीन चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। अब लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए कई रूल्स बनाए गए, कुछ कुछ को प्राइमरी रूल्स बोलते हैं, कुछ कुछ को सेकेंडरी रूल्स बोलते हैं। टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट लॉ देर आर सम कुछ प्राइमरी रूल्स हैं, कुछ सेकेंडरी रूल्स है, देर आर सम प्राइमरी रूल्स एंड देर आर सम सेकेंडरी रूल्स ऑफ व्हाट, इंटरप्रिटेशन। देर आर सम प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अभी थ्रू विद दिस, सबसे पहले आप किसको रेफर करोगे? प्राइमरी रूल्स, उसके बाद सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आते हैं। आज के क्लास में ऑब्वियस से बात है, हम प्राइमरी रूल से स्टार्ट कर रहे हैं, और प्राइमरी रूल, टोटल 6 प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर देयर, जिसमें से हम लोग 3 खत्म कर देंगे आज। प्राइमरी रूल्स में कितने रूल्स हैं? 6, मैं 3 खत्म करूंगा आज। सबसे पहला प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो आता है, प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, वो है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। एज पर द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, द वर्ड्स यूज्ड इन अ स्टैट्यूट, द वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ
will be interpreted by using the most ordinary, natural and popular meaning. The word of the law will be interpreted. The word of the law will be interpreted by using their natural, ordinary, popular. Sab log ek hi baat hai. Natural, jo natural hota hai, wahi cheez ordinary hota hai. Jo cheez natural hota hai, wahi cheez ordinary hota hai aur wahi popular hota hai. All the words are used interchangeably. The words of the law will be interpreted by using their natural, ordinary, popular meaning. Rules of normal English grammar and normal English literature will be applied to interpret the law. ये यार rule of क्या बताऊँ ना literal conception कि जो law में लिखा हुआ है आप उसको वैसे ही पढ़िए. आप जबरदस्ती को and को और मत पढ़िए. जबरदस्ती को और को and मत, जबरदस्ती and को और मत पढ़िए. और जो लिखा हुआ है assume करिए कि वही सही और वही पढ़िए. shall को shall ही पढ़िए, may को may ही पढ़िए, and को and पढ़िए, और को और पढ़िए. चल को चल पढ़िए, मैं को मैं पढ़िए. जैसे नॉर्मल इंग्लिश इंटरप्रेट करते हैं वैसे इसको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ करके इंटरप्रेट करिए. अनलेस इट लीड्स टू एब्सर्डिटी और रिपग्नेंसी. सबसे पहला रूल यही है, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. 100% लॉ में 99%, चलो 99% नहीं, 90% तो लिटरल कंस्ट्रक्शन ही है रे बाबा. 10% में आपको एडजस्टम, जेनरेस, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ये सब लगाना पड़ता है. हर जगह सेल को मे पढ़ोगे, मे को सेल पढ़ोगे, लेकिन कुछ कुछ जगह हम बताए थे सेल को मे पढ़ते हैं, मे को सेल, एंड को और को एंड. पर हर जगह ऐसे करोगे क्या? सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना है? प्राइमरी रूल में लिटरल कंस्ट्रक्शन. वापस सुन लो, एज पर द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन द वर्ड यूज इन द लॉ, द वर्ड यूज इन द लॉ विल बी इंटरप्रेटेड, द वर्ड यूज इन द लॉ विल बी इंटरप्रेटेड बाई यूजिंग देयर ऑर्डिनरी, natural, popular meaning. The words used in the law, the words used in the law will be interpreted by using their most ordinary, natural, popular meaning. Matlab rules of English grammar and English literature will be applied. Rules of normal English grammar and English literature will be to interpret the law. We'll have to apply rules of English grammar and English literature unless it leads to repugnancy. Repugnancy matlab absurdity. Absurdity matlab nonsense. Nonsense koi gali nahi hai. Nonsense matlab without any sense, does not make any sense. Nonsense, absurdity, repugnancy. अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर लगाए, लिटरेचर लगाए, ग्रामर और लिटरेचर लगा करके repugnant हो जा रहा है, मीनिंग repugnant हो जा रहा है, absurd कुछ आ रहा है, तब आप, तब लिटरल कंस्ट्रक्शन बोलता है, तब आप वर्ड्स का मीनिंग को चेंज कर सकते हैं. इसके ऊपर एक फेमस केस है जो आपको याद करना पड़ेगा. पवन कुमार, बोलो, वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, बोलो. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इन द केस ऑफ पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, दैट वी शैल ऑलवेज अप्लाई, कोर्ट शैल ऑलवेज अप्लाई, कोर्ट शैल ऑलवेज अप्लाई रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इन इंटरप्रेटिंग द लॉ. कोर्ट शैल ऑलवेज अप्लाई इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इन विच वी शैल अप्लाई ordinary meaning, popular meaning, grammatical meaning and English grammar and English literature. It's only when it leads to repugnancy or absurdity, then the words, meaning of the words can be modified, extended, abridged, modified, extended, abridged, badhaya ja sakta meaning ghataya ja sakta. Only and only strictly to remove the repugnancy and absurdity. Once the repugnancy is removed, the words cannot be modified. All the words cannot be modified. Just word ke karan repugnancy, absurdity aa raha, uska hi meaning aap change kar sakte. Sabka nahi. And only to remove the absurdity. No further than that. That English grammar and English literature is leading to absurdity or repugnancy will lie on the person who challenges it. You will have to prove that why it is absurd. Tere ko agar absurd lag raha hai, to sabit kar absurd kyun hai. Kuch clear evidences dikha ki absurd hai. Agar tumko lag raha hai ki literal construction lagane se, rules of normal English grammar, normal English literature lagane se absurdity aa ja raha hai, to jisko lag raha hai absurdity, wo sabit karega absurdity. क्लियर एविडेंस दिखा करके कि वाई इट इज एब्सर्ड, अदरवाइज इट इज नॉट एब्सर्ड, इवन इफ इट इज एब्सर्ड, इफ इट कैनॉट बी प्रूव टू बी एब्सर्ड.
And who will prove? The person who challenges. That we should not interpret it by English grammar, English literature, because it is leading to absurdity. That person will have to prove its absurdity. And he must give clear evidences to prove the absurdity. Either of. Either of. तुम एक नंबर का पागल इंसान है. नो सर. गलत है. देखो हम इसको बोले पागल है, एब्सर्ड है. ये बोला नहीं नहीं हम साबित कर देंगे, हम साबित कर देंगे. ये लड़का बोले हम डॉक्टर से सर्टिफिकेट लाएंगे, हम मम्मी पापा को लाएंगे, देखते हैं. आपको नहीं करने का दरकार है. जो इल्जाम लगा रहा है कि आप एब्सर्ड हैं, हमको साबित करना पड़ेगा, हमको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा. आपको नहीं, आपको आपको अपना अच्छापंथी साबित नहीं करना, हमको आपका पागल करने के लिए क्लियर डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा. अरे थ्रो विद दिस, दिस इज रूल ऑफ विच कंस्ट्रक्शन बताओ ना. दूसरा एजस दम जेनेरिस, बोलो एजस दम जेनेरिस. कभी ना कभी सुना होगा. नहीं सर, नहीं सुने सर. आज आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है सर. भले 50-60 क्लास हो गया, बट सर आज हम लोग का फर्स्ट है सर. जस्ट डम जेनरेट, जस्ट डम जेनरेट. अभी ठीक है, ट्राई कर रहे थे. जस्ट डम जेनरेट, ये भी आपका प्राइमरी रूल है. जस्ट डम जेनरेट क्या बोलता है, बहुत ध्यान से एक बार समझेंगे. जस्ट डम जेनरेट, मान लो एक एग्जांपल देते हैं. अकॉर्डिंग टू अ लॉ, दिस जू, एक लॉ बनाया गया जू के ऊपर. अकॉर्डिंग टू लॉ दिस जू विल कंटेन लायन, टाइगर, अदर्स. इसको डाल दे, इसको डाल दे, उसको 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 डाल दे. अदर्स बोला गया है तो अदर्स में तो हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, सबको ही आएंगे अदर्स में. अदर एनिमल नहीं बोला गया, बोला दिस जू विल कंटेन लायन, टाइगर एंड अदर्स. तो अदर्स में तो वो भी आ जाएगा रे, इकबाल भी आ जाएगा, सौरभ भी आ जाएगा, शिवानी भी आ जाएगी. डाल दो रे अदर्स में इन लोगों को. हाँ क्यों, लायन टाइगर क्या था? लायन टाइगर वाइल्ड एनिमल था, स्पेसिफिक वर्ड था. लायन टाइगर दो स्पेसिफिक वर्ड था, वाइल्ड एनिमल था, बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ वाइल्ड एनिमल. एक जनरल वर्ड कौन सा आया? अदर. अदर भी मीनिंग लेगा प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड से. लायन टाइगर है तो ये अदर भी लायन टाइगर जैसे ही रहेगा. लेपर्ड, काउ, बफेलो, रामसाम, जोदू मोदू, ह्यूमन बींग्स तो बिल्कुल भी नहीं, एंड डोमेस्टिक एनिमल भी नहीं, वाइल्ड एनिमल. ये है एजस्डम. एजस्डम जेनरिस में क्या होता है? व्हेन अ लॉ कंटेन्स स्पेसिफिक वर्ड्स विच बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड. मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्लास खत्म हो गया, और भी जंगली जानवर है. एजस्डम जेनरिस कब लगाओगे? व्हेन लॉ कंटेन सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स, दो स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, क्लास नॉट येट एग्जॉस्टेड, द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड, एंड अ जनरल वर्ड फॉलोज. अ जनरल वर्ड, जनरल वर्ड cannot be interpreted in a wider fashion to include anything and everything. General word cannot take its meaning to include anything. General word cannot be interpreted in a wider fashion to include anything and everything. It will take its meaning from the preceding specific word which belong to wild animal. Others will also belong to wild animal. So if the law contains specific words of a particular class, class is not exhausted. Law contains specific word, lion, tiger. Of a particular class, wild animal. Class is not exhausted. Or bhi jangli janwar hai. Then suddenly a general word follows others. Then the general word cannot be interpreted in a wider fashion to include anything and everything. It will take its meaning from the preceding specific words. Pakkhan. Yes, sir. Example ye likh dijiyega. Ye example likhna padega aapko. Example, if a zoological law is made that the zoological park will contain. The zoo bol rahe the, wahi hai zoological park. Lion, tiger and other. The other cannot include domestic animal. The other will include wild animals. Samal liye hain? Harmonious construction. Bolo. Harmonious construction. Doctrine of
harmonious construction is also a primary rule. If on the same subject matter, there exists more than one law, on the same subject matter, there exists more than one law, there exists more than one section, then according to harmonious construction, we should combine all the provisions, all the sections and follow the combined provision. Hum saath saath hai, harmonious. Saath saath. Subject matter ek ki anek? Subject matter ek. Section anek. Aneko section ko punch karke padhoge. Taki combined effect diya ja sake dono ka. So that we can give a combined effect to both. जैसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अब तो हट गया सीए के सिलेबस से. एग्जाम आना था जब सीए के सिलेबस में बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट सब था, बोनस, पीएफ, ग्रेचुटी सब, तब ये सब नहीं था. सीएस के सिलेबस में सब है, बोनस, पीएफ, ग्रेचुटी भी है. यू जस्ट नेम द लॉ, सीएस विल हैव इट. यू जस्ट नेम एनी एक्ट, सीएस विल हैव इट. तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में नियम क्या होता है कि बोनस जो है ना वो तभी दिया जाता है कि 30 वर्किंग डेज जब इंप्लॉय काम करेगा. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 बोलता है उसी इंप्लॉय को बोनस मिलेगा जब उस साल में 30 डेज काम किया. अगर उस साल में 30 दिन भी तो उसको बोनस ही नहीं मिलेगा. बहुत छोटा सा बात है 30 डेज. अब इस साल में 30 डेज बोल रहे हैं यार, कम से कम 30 डेज आना पड़ेगा तभी बोनस मिलेगा, नहीं तो बोनस नहीं मिलेगा. अब 30 डेज में क्या क्या दिन काउंट होता है और क्या क्या दिन काउंट नहीं होता, उस कुछ दिन सेक्शन 13 में लिखा हुआ है, कुछ दिन सेक्शन 14 में लिखा हुआ है. सेक्शन 13 में लिखा हुआ ये दिन काउंट होगा, ये दिन काउंट नहीं होगा. सेक्शन 14 में भी लिखा हुआ ये दिन काउंट होगा और कौन कौन से दिन काउंट नहीं. कुछ कुछ दिन जो काउंट नहीं होगा 13 में भी लिखा हुआ है और 14 में भी कुछ कुछ दिन लिखा हुआ है. 13 फॉलो करेंगे कि 14? दोनों कंबाइन करके फॉलो करना पड़ेगा. यही है हारमोनियस. सब्जेक्ट मैटर क्या था? कंप्यूटेशन ऑफ 30 वर्किंग डेज. सब्जेक्ट मैटर था कंप्यूटेशन ऑफ 30 वर्किंग डेज इज अ सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर सेक्शन 13 भी बोलता है, 14 भी बोलता है. तो वी हैव टू फॉलो बोथ सो दैट नन ऑफ द सेक्शन गेट्स डिफीटेड. दिस कॉल्ड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. मक्खन? यस सर. श्योर? जैसे मान लो तुमको पापा को फॉलो करना पड़ता है कि मम्मी को? जितना हद तक हो सके दोनों को. मान लो तुम्हारे पापा बोले अए 10 बजे के पहले घर आना, मम्मी बोले अए 9 बजे के पहले घर आ, दोनों को कब फॉलो करोगे? 9 बजे के पहले घर आ गए तो 10 के भी तो पहले ही आ गए, और 9 के पहले आ गए तो माँ भी, माँ को अभी बात मैंने रख लिया, और 10 के पहले आ गया मैंने बाप का भी बात रख लिया, दोनों का बात रख लिया. 9 के पहले आ गया तो मक्खन सर, मक्खन. क्लियर? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्लियर है क्या? श्योर? तो एक क्या था? लिटरल एडजेसेंट जेनेरिस. मार्क करो. सीएस वाले बच्चे अपने जेआईजीएल का मैट निकालेंगे, सीए वाले बच्चे अपने अदर लॉ का मैट निकालेंगे. सर आप बोले नहीं, सब कुछ अनाउंस होता है क्लास में. ये लास्ट वीक ही अनाउंस हो गया था आज ये होगा. इंट्रोडक्शन में हो, हाईलाइट कर इंट्रोडक्शन में. स्टैट्यूट हैज बीन डिफाइंड एज बिल ऑफ लेजिस्लेचर. स्टैट्यूट हैज बीन डिफाइंड एज अ विल ऑफ लेजिस्लेचर. अब ये बच्चा ने मैट भी नहीं खोला है, अपना अपना स्पीड है, इनका मैट खोलो. अरे इनको बताओ ना रे बाबा, लेकर क्या उनको, सब लोग को मिल गया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. अ स्टैट्यूट हैज बीन डिफाइंड एज अ विल ऑफ क्या? लेजिस्लेचर. विल ऑफ लेजिस्लेचर, क्या बात है, पक्का? लेजिस्लेचर के माथे पे लिख दो. लेजिस्लेचर मतलब सुनो, खाली पार्लियामेंट नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, गवर्नर भी होता है. लेजिस्लेचर के माथे पे लिख दो, चार जन आएगा. हाँ माथे पे छोटा छोटा करके लिख दो. पॉइंट नंबर ए पार्लियामेंट, पॉइंट नंबर बी स्टेट लेजिस्लेचर्स, पॉइंट नंबर ए पार्लियामेंट, पॉइंट नंबर बी स्टेट लेजिस्लेचर, पॉइंट सी प्रेसिडेंट, पॉइंट डी गवर्नर. पॉइंट सी प्रेसिडेंट, पॉइंट डी गवर्नर, इन लोग सब लेजिस्लेचर है क्योंकि इन लोग सबके पास लॉ मेकिंग पावर है. फिर नेक्स्ट लाइन, द पर्पस ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज टू सी
What is the intention expressed by the words used? To find out the intention expressed by the words. पक्का और एक तो लाइन लिख दो वहीं पर आसपास. It means understanding the underlying meaning of law. It means understanding the underlying meaning of law. It means understanding the underlying meaning of law. प्राइमरी रूल्स में आ जाइए. सबसे पहले प्राइमरी रूल्स में कितना तो है, छह, अभी तीन को खत्म किए हैं. सबसे पहले प्राइमरी रूल क्या था बताओ, लिटरल कंस्ट्रक्शन. सर ये सब एग्जाम में कितना मार्क आएगा, दो नंबर. कोई भी एक रूल कितना मार्क आएगा, दो नंबर. प्राइमरी रूल, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, प्राइमरी रूल, विच रूल, लिटरल कंस्ट्रक्शन. हाईलाइट जारी रखना. अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंस ऑफ स्टैट्यूट आर ऑर्डिनली टू बी अंडरस्टूड, आर ऑर्डिनरली टू बी अंडरस्टूड इन देयर नेचुरल, क्या क्या बोले थे, नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर एंड ग्रामेटिक मीनिंग. अनलेस सच कंस्ट्रक्शन लीड्स टू एब्सर्डिटी, और ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट सजेस्ट अ डिफरेंट मीनिंग. या तो कुछ एब्सर्ड नॉनसेंस निकल करके आ रहा है, ग्रामर लिटरेचर लगा करके मीनिंग क्या निकल कर रहा है, नॉनसेंस, एब्सर्ड, रिपग्नेंट, तब चेंज करना पड़ेगा हम लोग को लिटरल कंसेप्शन से थोड़ा सा मॉडिफाई. या फिर जो मीनिंग निकल कर रहा है ना वो ऑब्जेक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ कुछ और, ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ का पर्पस कुछ और था, वर्ड्स कुछ और. तो अनलेस से वापस से पढ़ो, अनलेस सच कंसेप्शन लीड्स टू एब्सर्डिटी या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट सजेस्ट डिफरेंट मीनिंग. ये जो नेचुरल हाईलाइट करो, नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर आर यूज इंटरचेंजेबली, बोले थे ना, ये भी बोले थे, छोटा छोटा बात भी लेक्चर में बोलते हैं. ये जो नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर है ये यूज कैसे होता है, इंटरचेंजेबली. सुप्रीम कोर्ट को हाईलाइट करो, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस पवन कुमार, स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस किसका जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट. चार इंपॉर्टेंट चीज बोला वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज टू कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू मतलब अंडरस्टैंड देम. अब कॉन्स्ट्रू का मतलब नहीं, मत लिखना अंडरस्टैंड डूड, कॉन्स्ट्रू मतलब नहीं समझना था. वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज टू कॉन्स्ट्रू देम एज पर देयर प्लेन, कोई तामझाम नहीं, प्लेन, लिटरल, लिटरल मतलब लिटरेचर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड. अप्लाई द प्लेन लिटरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड. मक्खन. If that is contrary or inconsistent, if that is contrary or inconsistent with any express intention or purpose of the statute, लेकिन हाँ अगर वो interpretation कुछ ऐसा बोल रहा है जो कि purpose of the act के खिलाफ है, or if it would involve any absurdity, repugnancy, inconsistency, कुछ absurdity, repugnancy, inconsistency आएगा, तब क्या होगा? Then to avoid such inconvenience, to avoid such, रुक जा, किसी का मोबाइल वर्जन लगा था, डिस्ट्रैक्शन हो गया. कहां तक लिखा? To avoid, अरे यार रुक, पहले मेरे को बताओ, it would involve any absurdity, repugnancy or inconsistency, देखा क्या? कॉमा, the grammatical sense must then be, तब जाकर के आप अपना grammatical sense को मॉडिफाई करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एब्रिज, बट उससे ज्यादा नहीं, ओनली टू रिमूव द एब्सर्डिटी. दिखा, द ग्रामेटिकल सेंस मस्ट देन बी, क्या बताओ ना, मॉडिफाइड, एक्सटेंडेड, एब्रिज, सो फार एज टू अवॉइड सच एन इनकन्वीनियंस, बट नो फर्दर. खाली वो इनकन्वीनियंस एब्सर्डिटी को हटाने के लिए, बट नो. पॉइंट नंबर थ्री, द ओनर्स ऑफ शोइंग दैट द वर्ड्स डू नॉट मीन व्हाट दे से. वाओ क्या लाइन है यार, वर्ड्स डोंट मीन व्हाट दे, ये क्या मतलब हुआ, वर्ड्स डोंट मीन व्हाट दे से, वर्ड्स विल ऑलवेज मीन व्हाट दे से. या वर्ड्स विल ऑलवेज मीन व्हाट दे, बट समटाइम्स दे डोंट मीन व्हाट दे से इफ इट लीड्स टू एब्सर्डिटी. द ओनर्स ऑफ शोइंग दैट द वर्ड्स डू नॉट मीन व्हाट दे से लाइज हेविली ऑन द पार्टी हू एलिजेस इट. सामने वाला जो बोल रहा है एब्सर्ड, एब्सर्ड है, साबित कर. He must advance something which clearly shows
वी मस्ट कुछ आपको सबूत देना पड़ेगा विच क्लियरली शोज दैट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन वुड बी रिपग्नेंट. बस ये चारों पॉइंट हम बोले थे क्या एकदम मक्खन की तरह एक एक शब्द बोला जाता है. ये कौन सा वर्ड है केस का नाम सेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार पीके याद रख लेना पीके है कह रहे पवन कुमार. पॉइंट नंबर डी में आओ. पॉइंट नंबर डी में आया क्या रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. वहां पर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बगल में लिख दो व्हेन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर व्हेन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर व्हेन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर देयर एग्जिस्ट्स व्हेन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर there exists more than one provision of law more than one provision of law there exists more than one provision of law then those provisions should be combined in such a manner then those provisions should be combined in such a manner that none of the provision gets defeated that none of the provision gets defeated provision should be combined in such a manner that none of the provision gets defeated kisi ka haar nahi ho na maa ka na baap ka yaad aaya None of the provision gets defeated and combined effect is given to those provisions and combined effect is given to those provisions and combined effect is given to those provisions none of the provision gets defeated and combined effect is given to those provisions harmonious construction ka case ka naam yaad kar lena raj krishna versus पिनोद कानून गो कानून गो. और आखिरी तीन लाइन को ब्रैकेट लगा दो खाली आखिरी तीन लाइन को ब्रैकेट लगा दो बड़ो फिर एजस्डम जेनरेस लिटरली मीन्स ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज Adjustum generis literally means of the same kind or species. ये कब लगाएंगे देखो Point number one, the statute यानी law contains enumeration of specific words. Enumeration मतलब list. लिख दो list. बोले थे ना when law contains list of क्या बताओ ना specific words. दोस्तों law contains list of बिल्कुल law contains list of specific words. Members of the list constitute a क्या बताओ ना class. Law contains list of specific words. They belong to a particular class. अच्छा class exhausted की not exhausted. अच्छा उसके बाद कौन है क्या बताओ ना General term follows the list. पक्का फिर point five और six में जो हम लिखवा रहे हैं वो लिखो वहां पर काट दो point five और six. फिर लिखो जो हम लिखवा रहे हैं point number five में लिखो The general word cannot be interpreted in a wider fashion. Point number five में the general word cannot be interpreted in a wider fashion. The general word cannot be interpreted in a wider fashion. General word cannot be interpreted in a wider fashion. Point number six. Point five में क्या लिखा general word cannot be interpreted in a wider fashion. Point number six. The general word will take its meaning. The general word will take its meaning
The general word will take its meaning. The general word will take its meaning from preceding specific words. The general word will take its meaning from preceding specific words and belong to the same class. And belong to the same class. And belong to the same class. क्या लिखवाया मैंने पॉइंट फाइव में जनरल वर्ड कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड इन अ वाइडर फैशन एंड इट विल टेक इट्स मीनिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड एंड बिलोंग टू द सेम क्लास एग्जांपल इफ अ लॉ मेड फॉर अ जू सेज इफ अ लॉ मेड फॉर अ जू सेज अरे पेज के टॉप पर भी जगह है बेटा इफ अ लॉ मेड फॉर अ जू सेज दैट द जू विल कंटेन लायन टाइगर एंड अदर्स That the zoo will contain lion, tiger and others. That the zoo will contain lion, tiger and others. Law made for zoo says that the zoo will contain lion, tiger and others. Then, the term lion, tiger, then the term lion, tiger which are specific words, the term lion tiger which are specific words and belong to class of wild animals and belong to class of wild animals which is not yet exhausted, belong to class of wild animals which is not yet exhausted. Belong to class of wild animals which is not yet exhausted. Belong to class of wild animals which is not yet exhausted. Belong to class of wild animal which is not yet exhausted. Then the general word others cannot be interpreted. The general word others cannot be interpreted. The general word others cannot be interpreted to include domestic animals or anyone else. The general word others cannot be interpreted to include domestic animals or anyone else. Cannot be interpreted to include domestic animals or anyone else. But can include only wild animals, but can include only wild animals like leopard, but can include only wild animals like leopard, but can include only wild animals like leopard. आज के लिए काफी है क्या? चलो आजाद हो. ये चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अपने कब कंटिन्यू करेंगे? सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक. बाय बाय.